क्या आप जानते हैं कैसे वो तीन कार्य जिनके पूर्ण होने से लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारने में सफल हुए? आइए जानते हैं। मेघनाथ सबसे बड़ा वीर था। उसने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र से युद्ध किया और उन्हें बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति का वध किया, इसलिए सबसे बड़े योद्धा कहलाए, क्योंकि इंद्रजीत का वध करना रावण से भी अधिक मुश्किल था। मेघनाथ को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, 14 वर्षों तक भोजन भी न किया हो। जब माता सीता के आभूषण पहचानने को कहा गया तो लक्ष्मण जी ने सीता जी के पैरों के नूपुर के अलावा कोई आभूषण पहचाना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी उनके चरण सुपर देखा ही नहीं था। जब राम जी और माता सीता एक कुटिया में सोते थे, तब लक्ष्मण जी रात भर बाहर पहरा देते थे। इंद्रा ने उनकी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्होंने इंद्रा को अपने बाणों से भेद कर दिया था। जो फल फूल लाते थे राम जी ने 3 भाग करते थे। 1 भाग देकर राम जी उनसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। उन्होंने कभी फल खाने को कहा ही नहीं था, फिर बिना उनकी आज्ञा के लक्ष्मण फल खाते कैसे? लक्ष्मण जी की यही बात सुनकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। यही वजह थी कि इन कठोर प्रतिज्ञाओं के कारण वह मेघनाथ को मारने महत्वपूर्ण और साहसपूर्ण कार्य कर सके और वीर योद्धा कहलाए। आशा करते जानकारी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।